दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आतिशी ने 78वीं तीर्थ यात्रा टीम को अयोध्या के लिए रवाना करते हुए कहा कि मुझे खुशी और गर्व है कि इस बार तीर्थ यात्रियों में लगभग 80% माताएं शामिल हैं। हमारी माताएं अपनी जिंदगी का हर पल अपने परिवार का ख्याल रखने के लिए कुर्बान कर देती है। उनकी तीर्थ यात्रा की ख्वाहिश पूरी करना अब सीएम अरविंद केजरीवाल सरकार का सौभाग्य है। आतिशी ने कहा कि पुरुषों को तो फिर छुट्टी मिल जाती है, लेकिन महिलाएं 24 घंटे काम करती है। जब वो महिला 60 साल की हो जाती है तो उनका भी मन होता है कि उनकी इच्छाएं पूरी हो। यही वजह है कि महिलाओं को काफी संख्या में तीर्थ यात्रा पर जाते देख बहुत खुशी होती है। दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आतिशी ने 78वीं तीर्थ यात्रा टीम को अयोध्या के लिए रवाना करते हुए कहा कि मुझे खुशी और गर्व है कि इस बार तीर्थ यात्रियों में लगभग 80% माताएं शामिल है। हमारी माताएं अपनी जिंदगी का हर पल अपने परिवार का ख्याल रखने के लिए कुर्बान कर देती है। उनकी तीर्थ यात्रा की ख्वाहिश पूरी करना अब सीएम अरविंद केजरीवाल सरकार का सौभाग्य है। आतिशी ने कहा कि पुरुषों को तो फिर छुट्टी मिल जाती है, लेकिन महिलाएं 24 घंटे काम करती है। जब वो महिला 60 साल की हो जाती है तो उनका भी मन होता है कि उनकी इच्छाएं पूरी हो। यही वजह है कि महिलाओं को काफी संख्या में तीर्थ यात्रा पर जाते देख बहुत खुशी होती है।